Hey guys, welcome back to Pirsker Kashmir. तो आज हम जा रहे हैं सोपोर. सोपोर से हम कुछ लाने वाले हैं पिजन, और डिलीवरी भी देनी थी डकलिंग्स की. तो उस भाई को भी बुला लिया है अब मेन चौक में, और उसको भी हम डकलिंग्स जो है वो वहीं पे देंगे. तो आपको ये गेस करना है कि हमने कौन सा पिजन जो है वहाँ से ख़रीद लिया. तो जो सोपोर तक का रोड है थोड़ा उबड़ खाबड़ था, लेकिन शुक्र है पहुंच गए हम अच्छे से. अब आप गेस कीजिए कि वहां से हमने क्या लाया. ये जो हमने रेड हेड को रखा था पेयर अप करने के लिए, तो इन्होंने मेरी नाक में दम करके रखा है, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता, मैं बहुत ही कम टाइम दे पाता हूँ इनको. तो ये जो मादी है ये जल्दी से ब्लूटूथ पेयर कनेक्शन किसी और के साथ लगा लेती है, तो इसकी वजह से जो है इनके अब बच्चे अच्छे से नहीं हो पाएंगे, और जितने में इसको ख़रीदा है तो नुकसान ही हो जाएगा. तो इसलिए हमने क्या किया, इसको उठा के अब शिफ्ट कर दिया है अलग लोकेशन पे. उस लोकेशन पे इसका इसके साथ जो है कोई भी नर जो है वो जोड़ नहीं खा पाएगा. आपको वहाँ पे इनके लिए दाना पानी, ड्रिंकर और इनके लिए एक नेस्ट बॉक्स ज़रूरी रखना है. जैसे ये तो हमने एक फीडर रखा है इनके लिए, यहाँ पे ये खाते शाते हैं फीड. और मेक श्योर कि ये जो आप सेटअप में इसको रखोगे वो थोड़ा बड़ा हो. ये इनका नेस्ट है यहाँ पे, इसमें मैंने हल्की सी घास डाल के रखी है इस बाउल में. ये हमारी पहले जर्मन शेफर्ड का था, अब वो तो हमने भेज दी. और ये ड्रिंकर, और थोड़ा स्पेशियस होना चाहिए इसका कमरा. उसके बाद जो है इंशाल्लाह इनका जोड़ अच्छे से लगेगा, और अंडे बच्चे भी इनके अच्छे से होंगे, और जो भी बच्चे निकलेंगे इंशाल्लाह उनको हम फिर बेच के जितने में लाया था जोड़ा वो वापस लाएंगे. पहले हमारे कुछ विंटर बेबीज़ है, इसमें इंडियन जोड़ा एक है, सियालकोटी और रामपुरी क्रॉस है बाकी है सारे. तो इनके जो आइज़ है अभी उतनी साफ नहीं हुई हैं, तो आइज़ का शौक भी करवाएंगे इंशाल्लाह आगे जाके. तो विंटर्स में भी ब्रीडिंग सक्सेसफुल होती है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि इनका जो नेस्ट है वो भी गीला हो जाता है, उसको कंटिन्यूसली आपको चेंज करना पड़ता है. तो इंशाल्लाह ये बच जाते हैं अगर आप प्रॉपर केयर करोगे विंटर्स में भी, लेकिन बेहतर रहता है कि जोड़े अलग ही करके रख दो आप. तो आपको दिख रहा होगा इसके अंदर सियालकोटी टच भी और रामपुरी टच भी. तो ये नर है दूसरा बेबी इसका, और इनकी जो आईज़ है इसमें आपको ब्लैक रिंग दिखेगा जो कि सियालकोटी की निशानी ही मानी जाती है अच्छे से. और ये जो है हमारा फिर से रामपुरी और सियालकोटियों का ये निकला है पेयर. तो आप जो है मेक श्योर हमारी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें भी हौसला मिलता है और आपका भी शौक हमारे साथ होता रहेगा इंशाल्लाह.